पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, परासिया के न्यूटन क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प अभियान को पूरा करने स्व सहायता समूह की महिलाओं को वितरित की गई सहायता राशि, प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। ईएलसी हॉस्टल में वॉल्केनो डांस एंड म्यूजिक एकेडमी का हुआ शुभारंभ, हर आयु वर्ग के युवक युवतियों को दिया जाएगा डांस व म्यूजिक का प्रशिक्षण। और राजस्व और पुलिस विभाग ने गुरैया सब्जी मंडी में हटाया वर्षों से जमा हुआ अतिक्रमण, अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई 2 एकड़ शासकीय जमीन। नमस्कार, स्वागत है आपको सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने 5 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर से चुनाव लड़ने के अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मैं छिंदवाड़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों द्वारा कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले विधायकों और नेताओं के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि सुरेश पचौरी गए हैं, जिसे शामिल होना है वह हो जाए। अरुणोदय चौबे के भाजपा में जाने की खबर आ रही है, वह तो पहले से ही कांग्रेस से बाहर थे। वहीं दीपक जोशी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह पहले भी वहीं थे, वहीं से आए थे। जबलपुर से चुनाव लड़ने का प्लान है सर? कोई प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सर, सर जबलपुर में जाने का भाजपा में शामिल हो रहे हैं लगातार, कांग्रेस नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सुरेश पचौरी जी शामिल हुए तो हुए, पांच दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज परासिया विधानसभा के न्यूटन में सभा को संबोधित किया और भावुक होते हुए जनता के समक्ष अपनी बात रखी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैंने तो छिंदवाड़ा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और आखिरी सांस तक हम कंधे से कंधा मिलाकर अपना संबंध बनाए रखेंगे। हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। इसी पारिवारिक संबंध को कायम रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं आप सब पर भरोसा करता हूं, 40 साल पहले भी किया था, आज भी करता हूं। वहीं सांसद नकुलनाथ ने मंच से मोदी की गारंटी पर प्रहार करते हुए कहा कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नई कोयला खदान खोली जाएगी, कोयला खदानों को बंद नहीं किया जाएगा? गारंटी लेंगे कि परासिया विधानसभा के हर नौजवान को रोजगार मिलेगा? क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि महंगाई कम होगी? मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप क्या गारंटी लेंगे कि यहां कोयलांचल में आप नए खदानें शुरू करेंगे? क्या आप गारंटी लेंगे जो खदानें चल रहे हैं उनको बिना बंद किए? ये कहना चाहता हूं कि मैंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया और आखिरी सांस तक हम कंधे से कंधे मिलके अपना संबंध बनाए रखेंगे। हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है और ये पारिवारिक संबंध को कायम रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। तो मैं आप सब पर भरोसा करता हूं, कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई विकसित भारत योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं को सहायता राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर एनआईसी कक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एडीएम केसी बोपचे, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए ड्रोन दीदी योजना की जानकारी दी गई। वहीं देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को योजना के अंतर्गत चेक वितरित किए गए। हम मेरी बहनों के द्वारा हो सकता है और मुझे पूरा विश्वास है, हर घर में जब जीरो बिजली का बिल हो जाएगा ना, पूरा जीरो बिल, तो ये योजना का सबसे ज्यादा लाभ
हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहने हैं उसका नेतृत्व करके अपने गांव में करवा सकती है। और मैंने सरकार को भी कहा है कि जहां जहां स्वयं सहायता समूह की बहने इस काम के लिए आगे आती है हम उनको प्राथमिकता देंगे और जीरो बिल बिजली का इस अभियान को भी सफलतापूर्वक मुझे आगे बढ़ाना है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा मैडम का स्वागत करें। मैं समूह की दूसरी दीदी का आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की लाखों स्व सहायता समूह की बहनों को आज संबोधित किया और जो मोदी जी ने संकल्प लिया था कि हमारे देश की 1 करोड़ बहनों को दीदियों को लखपति बनाना है उसको आगे बढ़ा करके उन्होंने दूसरा संकल्प और लक्ष्य तय किया कि 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाना है और पहले 1 करोड़ का लक्ष्य पार करके 1 करोड़ बहनों के जीवन में समृद्धि लाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया और 1 करोड़ बहनें लखपति बन गई। अब 3 करोड़ बहनों का लक्ष्य लिया है। साथ ही साथ ड्रोन दीदी जो आधुनिक तकनीक से खेती हो जाए और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी बहनों को दी गई है तो इसको ड्रोन दीदी को लेकर के मोदी जी ने आज सभी को मार्गदर्शन दिया है। और जो मोदी जी का संकल्प है कि हमको भारत को 2047 तक विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बनाना है वो तभी संभव है जब हमारी बहनें सशक्त होगी और महिला सशक्तिकरण की ओर जो मोदी जी ने कदम उठाया है उसको लेकर के मोदी जी ने हमारी बहनों को संबोधित किया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि बहनों को उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत किया और सशक्त बनाया। 11 मार्च को ELC हॉस्टल में वॉल्केनो डांस एंड म्यूजिक एकेडमी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ELC इन MP के बिशप SK सुक्का, पास्टर शांतवन लाल व ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे विशेष रूप से उपस्थित रहे। वॉल्केनो डांस एंड म्यूजिक एकेडमी के डायरेक्टर प्रतीक तिमोती व अंकित तिमोती दोनों ही संगीत और डांस के क्षेत्र में महारत रखते हैं जो अब छिंदवाड़ा शहर में बच्चों व युवाओं के साथ हर आयु वर्ग के लोगों को डांस व म्यूजिक का प्रशिक्षण देंगे। स्थानीय ELC हॉस्टल में एकेडमी के शुभारंभ अवसर पर बिशप SK सुक्का व पास्टर शांतवन लाल ने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वॉल्केनो म्यूजिक डांस एंड म्यूजिक एकेडमी में आप एरोबिक, जुम्बा, योगा, बैंजो, ऑक्टोपैड, ड्रम सेट, तबला, ढोलक, गिटार, हारमोनियम, कीबोर्ड वादन के साथ डांस की विभिन्न विधाएं जैसे कथक, बॉलीवुड, हिप हॉप, फ्री स्टाइल आदि सीख सकते हैं। वहीं अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आप योगा व एरोबिक्स जैसे डांस फॉर्म से लाभ ले सकते हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य
हमारी इच्छा है जैसे स्वर्ग की पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे जीवन की हुई आराधना और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए। ईएलसी हॉस्टल में कल से एक बहुत अच्छा समाज में एक म्यूजिक के प्रति रुझान पैदा करने के लिए आप देखेंगे हमारा बोर्ड लगा हुआ है वाल्किनो यानि ज्वालामुखी जिस तरीके से ज्वालामुखी फूटता है और चारों तरफ आग ही आग होती उसी तरीके से म्यूजिक में भी एक आग होती है। ये हमारे बच्चे तिमोथी परिवार के इन्होंने ये शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके भविष्य को और उज्जवल करे। मैंने राजा मानसिंह तोमर से यूनिवर्सिटी से ग्वालियर से मैंने कथक में एमपीए कथक किया है और 2018-19 के बैच में मैंने मध्य प्रदेश में टॉप भी किया है और विगत कई वर्षों से मैं डांस क्लास चला रहा हूँ और साथ में ही जितने स्टेट लेवल में कार्यक्रम होते हैं उसमें भी अपनी सेवाएं देता हूं और साथ में मेरा भाई है। मेरे भाई का नाम अंकित तिमोथी है जो कि म्यूजिक में इनकी डिग्री है और साथ में ये प्रशिक्षण भी देते हैं। साथ में हम योगा का भी किए हैं, डिप्लोमा है भाई का योगा का उसमें भी करते हैं। साथ में हम मेरा ये संदेश है कि अपने शरीर को भी हमें इतना काम लेते हैं हम अपने शरीर से तो हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए फिट रखने के लिए अपने शरीर को समय देना चाहिए जो डांस के माध्यम से म्यूजिक के माध्यम से हम दे सकते हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गुरैया सब्जी मंडी में आज राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन ने मंडी प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही करते हुए सब्जी मंडी से अतिक्रमण का मकड़जाल हटाने की बड़ी कार्यवाही अंजाम दी। गुरैया सब्जी मंडी से राजस्व एवं पुलिस प्रशासन ने वर्षों से जमा हुआ अतिक्रमण हटाया। दरअसल राजस्व विभाग द्वारा गुरैया सब्जी मंडी के व्यापारियों को कुछ दिनों पूर्व ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अपनी दुकान और अवैध अतिक्रमण को हटा ले, मगर व्यापारियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते आज राजस्व विभाग और पुलिस विभाग दलबल के साथ गुरैया सब्जी मंडी पहुंचे और जेसीबी के माध्यम से वर्षों से जमा हुआ अतिक्रमण हटाया। दरअसल प्रशासन द्वारा यह भूमि पार्किंग के लिए आवंटित की गई थी, जिसका मार्केट रेट लगभग 10 करोड़ रुपए है। राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर गुरैया सब्जी मंडी के लगभग 2 एकड़ भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। मंडी प्रशासन द्वारा सब्जी व्यापारियों को जो भूखंड आवंटित किए गए थे उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया। आज गुरैया सब्जी मंडी छिंदवाड़ा में सब्जी मंडी के पार्किंग वाली भूमि पर अतिक्रमण को हटाने का कार्य मंडी प्रशासन, राजस्व प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रांगण में लगभग 2 एकड़ के भूमि जो है जिस पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और ये जमीन पार्किंग के लिए आरक्षित थी, इस जमीन को खाली कराने के लिए दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया था। दुकानदारों द्वारा विगत दिवस अनेक दुकानदारों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है और आज हम जो बचे हुए हैं उनको हटाने का कार्य कर रहे हैं।
अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण कार्रवाई बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, इसमें हमारे व्यापारी बंधु भी सहयोग कर रहे हैं। इन समस्त दुकानदारों द्वारा इन्होंने स्वयं के यहाँ पर भूखंड लिए हैं। अधिकांश दुकानदारों के पास भूखंड हैं जो अपने स्वयं के भूखंड में जा रहे हैं, और जो अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि है उसका बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपए आंका गया है। नगर निगम सभा कक्ष में आज मेयर एंड काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर विकास को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। इस अवसर पर महापौर विक्रम महके, नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो, एडीएम एवं प्रभारी कमिश्नर केसी बोपचे सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व पार्षदगण उपस्थित रहे। एमआईसी की बैठक में शहर विकास को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। वहीं आगामी वर्ष के लिए साप्ताहिक पशु पंजीयन ठेका दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। महापौर विक्रम महके ने बताया कि इस बैठक में 282 करोड़ से अधिक के शहर विकास के कार्यों का बजट पेश किया गया है। सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से बहुत निर्माण रूप जो बड़े निर्माण होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेंगे, लाभ का बजट बना है 10,000। मेयर एंड काउंसिल के समक्ष विचार प्रस्तुत है। आज एमआईसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आयुक्त महोदय, नगर निगम अध्यक्ष महोदय और हमारे समस्त एमआईसी मेंबर ने भाग लिया, और हमने शहर विकास को लेकर शहर के आम नागरिकों की जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य, बिजली, पानी और तमाम मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हमने काम किया है। और आज 282 करोड़ का हमने बजट पेश किया है। निश्चित तौर पर यह बजट कारगर साबित होगा और छिंदवाड़ा के विकास में एक नया आयाम लिखेगा। 12 मार्च को इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा, जिसके पुरस्कार वितरण समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ उपस्थित रहेंगे। सांसद कप आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि सांसद कप 2024 का फाइनल मुकाबला 12 मार्च को सतपुड़ा टाइगर्स व एसीसी क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। मैच समाप्ति के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। वहीं वीरेंद्र सहवाग इस बीच मैदान पर चौके छक्के लगाते दिखेंगे, साथ ही अपने क्रिकेट करियर के संस्मरणों को दर्शकों से साझा करेंगे। टूर्नामेंट आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शकों से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का ये फाइनल महामुकाबला 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार यानी कि कल संपन्न होने जा रहा है। एसीसी क्रिकेट क्लब और सतपुड़ा टाइगर्स के मध्य ये फाइनल का महामुकाबला खेला जाएगा। कल ठीक 11:30 बजे से ये फाइनल चालू हो जाएगा, और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी व जिले के लाडले सांसद आदरणीय बड़े भैया नकुलनाथ जी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज श्री वीरेंद्र सहवाग जी की गरिमामयी उपस्थिति में खेला जाएगा। मैं हमारे जिले के, नगर के सभी क्रिकेट खेल प्रेमी बंधुओं से
अनुरोध करता हूं कि कल सभी लोग समय से स्थान इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान शुक्ला ग्राउंड आकर इस फाइनल महामुकाबले का लुफ्त उठाए। धन्यवाद। नारी सुरक्षा मंच के द्वारा आज जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल में हुई महिला विरोधी घटनाओं को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। नारी सुरक्षा मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मातृशक्तियों ने बंगाल सरकार के विरोध में नारेबाजी की और संदेश खाली में जनजातीय महिलाओं के शोषण और अत्याचार को लेकर विरोध दर्ज कराया तथा दोषियों पर सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग रखी। पिछले 45 दिनों से जो बंगाल में हो रहा है संदेश खाली में महिलाओं और बच्चों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर सब नारी सुरक्षा मंच से सब महिलाएं आई है और हम लोग चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन दे रहे हैं हम कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो TMC के संरक्षण में वहाँ का जो शेख छा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और फर्स्ट एक्ट लगाकर उस पर फांसी की सजा का फर्स्ट एक्ट को लगाकर कार्रवाई की जाए। क्या विरोध किया गया आपका? हमारा विरोध है कि जो बच्चियां हैं और महिलाओं के प्रति जो ऐसे कृत्य हो रहे हैं वो रोके जाए और उनको सुरक्षा का माहौल मिले, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए सरकार कुछ करे और गृह मंत्रालय भी संज्ञान ले कि जो कृत्य हो रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले। खाली में TMC के कुछ गुंडे, मतलब वहाँ की CM खुद महिला होने के बावजूद वहाँ पे इतनी शर्मित हो रही है कि हम लोग सारे लोग इतने शर्मसार हैं। वहाँ की जो सरकार है वो गुंडों का सपोर्ट कर रही है। TMC के सारे गुंडे महिलाओं को मिठाई बनाने के बहाने उनको बुलाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। ये हम सारी महिलाओं और बेटियों के लिए बहुत शर्मनाक वाली बात है। और वहाँ की सरकारें वहाँ पे मतलब खुद महिला होने के बावजूद भी वहाँ पे एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, हमारी यह मांग है कि वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो जो घटना है वो आज से नहीं हो रही है, ये कई वर्षों से घटित हो रही है। ऐसे एक महिला की हमको घटना सामने है, ऐसी वहाँ की कई महिलाएं जो इस वहाँ के यौन शोषण से, शारीरिक शोषण से उत्पीड़ित है। तो हम लोग ममता सरकार से ये चाहते हैं कि वो SBI की मतलब वहाँ के लोग एक्शन लें और सारे हमारी महिलाओं को न्याय मिले। नगर निगम सभापति राहुल मालवीय के नेतृत्व में आज अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान हटाए गए फुटकर दुकानदारों ने अपने व्यवस्थापन की मांग का ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मैं निगम का सभापति हूं, मैं इनको परमिशन देता हूं कि इनको जगह मिलना चाहिए। और सर देखिए, आर्टिकल 14 बोलती है समानता का अधिकार में सर सबको रोजगार का अधिकार है। अपने लिए बच्चों के एग्जाम की फीस तक नहीं पड़ी है 15 दिन से सर, बेघर है। हाँ सर, तो इनको कहीं ना कहीं सर गुड गवर्नेंस ही होती कि अच्छा व्यवस्थापन दे सर। अभी लड़ेंगे हक की बात तो कौन लड़ेगा सर? अब सर लोगों की परीक्षाओं की फीस तक नहीं पड़ी। देखिए, आज हम लोगों ने जो फुटकर व्यापारी संघ है, जो पानी की टंकी के पास सूखे आइटम की दुकानें लगाते हैं, नारियल की दुकान लगाते हैं, कपड़ों की दुकान लगाते हैं और जूते चप्पल की दुकान लगाते हैं, कुछ लोगों की होटल भी चलती है, तो सबको 2020 में बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके और गायत्री मार्केट में भी शिफ्ट किया गया था, सब लोगों को लिया जाता था। लेकिन कुछ फल वालों के कारण अतिक्रमण बहुत ज़्यादा दिखता था और लोगों की दुकानें आगे हो जाती थी, जबकि फल मंडी वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है, फल का जो दुकान है फूल मार्केट में, लेकिन सब लोग यहीं लगा रहे हैं। तो इससे हमारे जो व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी, जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये का लोन लिया था, 10,000-20,000 के भी लोन है नगर निगम से लिए थे, तो ये जो लोन है ये इन्हें पटा नहीं पा रहे हैं, इनके बच्चों की स्कूल फीस नहीं पटा पा रहे हैं और 15 दिन से इनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जबकि इस भारत का संविधान ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार प्राप्त है हमारे देश में। मैं आदरणीय SP साहब से भी निवेदन करूंगा कि कहीं लाइन ऑर्डर ना बिगड़े, क्योंकि जब जब बेरोजगारी बढ़ती है तब तब लाइन ऑर्डर बिगड़ता है, सामाजिक अपराध बढ़ते हैं, चोरी बढ़ती है, डकैती लूटपाट बढ़ती है।
तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आदरणीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और हमारे कमिश्नर साहब मिलके इसके लिए व्यवस्थापन करें, नहीं तो हम आने वाले समय में भूख हड़ताल में बैठेंगे, क्रमिक हड़ताल में बैठेंगे और ज़्यादा होगा तो हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब और एडीएम साहब के घर में फूलों की माला लेकर उनके घर में रोज हम गुलदस्ते और फूल लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम सेना द्वारा शहर के एक प्राइवेट चिकित्सालय पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जय भीम सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में लापरवाही पूर्वक इलाज से बाल तोड़ का इलाज कराने वाले एक मरीज की मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर परिजनों द्वारा चिकित्सकों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संबंधित हॉस्पिटल के विरुद्ध ना कोई कार्यवाही की गई है, जिसके विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए भीम सेना पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। आज जय भीम सेना सभी सामाजिक संगठन एक साथ होकर आज एक जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया जा रहा है महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम, जिसमें दिनांक 27/2/2024 को मानता हॉस्पिटल परासिया रोड में छिंदवाड़ा में मृतक रमेश बड़खे की गलत उपचार के कारण मृत्यु हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि उनको बालतोड़ हुआ था, जिस पर वहाँ पर डॉक्टर और मानवता अस्पताल प्रबंधन के द्वारा गलत उपचार के कारण उनकी मृत्यु हुई है और आज तक 13 दिन हो चुका है, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। और आज उनके साथ में हमारे साथ में मृतक रमेश बड़खे की धर्मपत्नी है, उनकी माँ है, उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, आज उनके पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं है और ना आज तक उनको कोई मुआवजा मिला है, ना उनकी कोई FIR दर्ज हुई है, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है। हम माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करते हैं कि उक्त परिवार अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज कर उनको मुआवजा दिलाकर और उनके निराकरण कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्याय दिलाया जाए। स्थानीय संस्कार कॉलोनी परतला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन व्यासपीठ पर विराजमान पंडित नागेंद्र ब्रह्मचारी जी ने शिवचरित्र व भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनाई, जिसका श्रवण कर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। मनु और शत्रुपा इनकी उत्पत्ति हुई। मनु और शत्रुपा ने अपने बेटा बेटियों से कहा कि देखो, अगर हमें ब्रह्मा जी ने मौका दिया है मनुष्य बनने का, तो अपन यज्ञ करते हैं। और उस समय पर यज्ञ की स्थापना हुई। सारे जितने ऋषि मुनि महात्मा थे वो बैठ कर के यज्ञ करने लगे। हरे आओ यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो तुम्हारे शरीर में जो कर्म करते हो ये कर्मों का पाप पुण्य नहीं लगेगा। इसलिए यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि लाखों रुपया करके और तुम हवन कुंड बना करके यज्ञ करो। बोले तुम एक काम कर सकते हो, सुबह उठ करके तुलसी में जल दे करके भगवान सूर्य को जल दे दो और शाम को एक दिया रहे। और जब कभी भी भोजन बने तो भोजन वहीं परासिया रोड स्थित आदर्श नगर महुआ टोला में भी इन दिनों संगीतमय शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन जारी है, जिसमें चित्रकूट धाम से पधारे पंडित ऋषिराज मिश्रा जी द्वारा कथा प्रवचन किए जा रहे हैं। पार्वती मेरे पति का उद्धार कर दो, और उद्धार मात्र मेरा महादेव और मेरी मैया पार्वती ही कर सकती है, संसार में कोई उद्धार नहीं कर सकता। मैया से प्रार्थना करती है, बोले माहेश्वरी महादेवी कृपां कुरु। माती है मैया पर बार बार चरणों पर अपना सिर रख करके बार बार निवेदित करती है। मैया मैया ने कहा बस तेरी बात को, तेरी आज उस पूजा से तेरी उस दास भाव से प्रसन्न होती हूँ मैं। और आज मैं मैया पार्वती ने अपने शिष्य तुमरों को बुलाया और मैया कहते हैं तुम मेरो शिव प्रीत मम मानस कारक
हे मेरे मानस पुत्र जिसका नाम तुमरू है, तुमरू को बुलाती है मिया और तुमरू को बुलाकर की कहती है बोले एक काम करो क्या, बोले सहनया विधिनो सेलम भद्रम ते गच्छ सतोवरम। हे तुमरू एक काम करो, बोले क्या काम करना है मिया, किया और तुमने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। धन्य है ऐसी नारी जो अपने पति को धन्य कर दे, अपने पति को धन्य क्या दे। वो नारी तो पूजी लिया है, वो नारी तो सम्मान लिया है, जगह में भगवान शिव धाम पर वो नारी तो पूजी लिया है। बात ये समापन होगा। टोला में तुम जैसा पिसा की ओर से का आयोजन किया गया है और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा शिव पुराण कथा सुनाई जा रही है। मैं सभी महावासियों से आग्रह करता हूँ कि वह धुनवा टोला प्राणगढ़ में आके हमारी शिव पुराण को सुने और अपना जीवन लाभ अर्जित करे। और पास में जाने के बाद में आई अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियाँ। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, परासिया के न्यूटन क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प अभियान को पूरा करने स्व सहायता समूह की महिलाओं को वितरित की गई सहायता राशि, प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। ईएलसी हॉस्टल में वॉल्केनो डांस एंड म्यूजिक एकेडमी का हुआ शुभारंभ, हर आयु वर्ग के युवक युवतियों को दिया जाएगा डांस व म्यूजिक का प्रशिक्षण। और राजस्व और पुलिस विभाग ने गुरैया सब्जी मंडी में हटाया वर्षों से जमा हुआ अतिक्रमण, अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई 2 एकड़ शासकीय जमीन। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।